देखिए, सबसे पहले तो हम अमित भड़ाना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से अमित भड़ाना जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का परिवार कंप्लीट हो गया है और वो इंडिया के पहले ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इंडिविजुअली काम करके इतना बड़ा परिवार इकट्ठा करा है। ये बहुत ही बड़ी बात है और इसी बात के लिए उन्होंने दिल से हम लोग से कुछ कहा है, अपनी पुरानी बीती बातों से मिला जुला कर, और वो निकल कर आया है दिल से अमित भाड़ाना। मतलब इन्होंने कुछ बोला इस वीडियो में, आज हम इसी वीडियो पर रिएक्ट करेंगे और साथ बैठकर आपको भी रिएक्ट करना है, क्योंकि बड़ा ही स्पेशल इस वीडियो में इन्होंने बताया हमको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इनका बहुत ही जल्द गाना भी आने वाला है तो उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। आज सबसे पहले हम इस पर रिएक्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिगेस्ट इन द बिजनेस, द बैड विद द मोस्ट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स इन इंडिया। ये लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बात हुई अमित भड़ाना। अमित भड़ाना पीछे मुड़के देखने की आदत नहीं है मेरी, पर कुछ बातें हैं जो कभी कभी पास्ट में ले जाती हैं। व्हाट्सएप पर पढ़ा था शायद कि हंसी की कीमत वही जानता है जिसे दर्द का एहसास होता है। मुझे दर्द का पहला एहसास बचपन में हुआ था। एक दिन पिताजी गए तो वापस नहीं आए। एक खबर आई जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। मुसीबतों से आदमी लड़ लेता है, पर दर्द दीमक की तरह इंसान को अंदर से खाता रहता है। सही बात है। फिर मुझे एक रास्ता मिला दर्द को भुलाने का। मैंने देखा कि अपने आंसू छुपाने की सबसे अच्छी जगह दूसरों की हंसी है। दिल अपना साफ रखो, मेहनत करते जाओ। देखो रास्ते में कंकड़ भी आ रहा होगा ना, उसे आप क्यों नहीं हटाओगे? कोई और हटा के साइड कर देगा कि भाई आप गिर जाओगे। साफ कतई उम्दा बात। गली का जोकर, स्कूल का मस्करा अमित। टैलेंट पानी की तरह होता है, कहीं ना कहीं से बह जाने का रास्ता खोज ही लेता है। मुझे तो बस लोगों को एंटरटेन करना था, तो डबिंग करके वीडियोस बनाई। अब गली और स्कूल के बाहर भी हंसी बांटकर मैं खुश था। वीडियो बैन हुए तो निराशा के हावी होने से ठीक पहले खुद एक्टिंग करने का प्लान बनाया। छोटे भाई ने कैमरा पकड़ा और मेरे हाथ आ गई लोगों की नब्ज। मस्ती मस्ती में वीडियो बनाने का फैसला ले लिया और गाड़ी चल निकली। लोग हंसते थे, खुश होते थे, अपनी यही कमाई थी। YouTube पे नया स्टेज मिला, लेकिन शकल तो देखो इसकी, देसी कंटेंट कहाँ चलेगा? ये कोई कॉमेडी होती है? कहने वालों ने पता नहीं क्या क्या कहा, पर हम तो थे बेशरम, बस दिल की सुनी और दिल की सुनाई। एक दिन जैसे नींद टूटी तो देखा कि YouTube के आसमान में मैं सबसे ऊपर था। सब देख रहे थे ये कहां से आ गया और हमारे सर पे चढ़ बैठा। बहुत लोगों की बोलती बंद हुई और कुछ नए लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, पर मेरे चाहने वाले हमेशा नफरत करने वालों पर भारी पड़े। 1 मिलियन पर भी प्यार ने पहुंचाया और आज 20 मिलियन पर भी। यहां तक कैसे आया पता नहीं, आगे कहां जाना है पता नहीं, पर इतना खड़े पता हो सारे कि किस्मत ने मुझे दूसरों की जिंदगी में खुशियां बिखेरने के लिए चुना है और मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। ओए होए, और मां के आपने प्यार नहीं होते, वो आप बाहर जाके किसी के पांव पड़े या तो भगवान के आगे सर झुके या कभी हेटर्स की साजिश का शिकार हुआ तो कभी मौत के मुंह से वापस आया। अनजान लोग दोस्त हो गए और कुछ दोस्त राह में छूट भी गए, पर मुझे तो अपने आंसू लोगों की हंसी के पीछे छुपाना बचपन से आता है। मैं पानी की तरह आगे बढ़ जाऊंगा, आप हंसते रहो, बस यही मेरी जीत है, क्योंकि मुझे हंसी की कीमत पता है। बातें बहुत सारी हैं, गाने में बताऊंगा। आपका अपना अमित भड़ाना। वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, साईफाई कॉमेडी, हॉरर, मैनी सब आज।
हाँ, तो हमने इनकी वीडियो देखी दिल से, और इसमें इन्होंने वाकई में जो कुछ बताया दिल को छू गया, जो कि इन्होंने वाकई में ऐसी मेहनत करी है और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। पूरे इंडिया की इनकी जो शुभकामनाएं हैं वो इनके साथ हैं और हमेशा बनी रहेंगी, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इनका जो आने वाला गाना है उसमें ये और कुछ बातें बताएंगे डिटेल्स में हमें गाने के साथ, उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। आप हमें बताना नीचे कमेंट्स में आपको रिएक्शन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको कोई और सजेस्ट करनी हुआ करे तो आप बेझिझक कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।